नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। कितने लोगों के जीवन में सुखी संपन्नता और समृद्धता घोर मेहनत करने के बाद भी नहीं आ पा रही। दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरे दिन मेहनत करते हैं, पूरा मन लगा के मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उनके पास उतने पैसे नहीं आ पाते जितने पैसे के वो हकदार हैं। या फिर कुछ लोगों के पास पैसे आते हैं लेकिन वो पैसे उनके घर में टिकते नहीं है, व्यय हो जाता है, खर्च हो जाते हैं, अनावश्यक खर्च में पैसे चले जाते हैं। तो ऐसा एक जगह नहीं, कितने ही लोगों के साथ होता है। तो इस युग में, जिसको कलयुग कहते हैं, जिस युग में आप आज जी रहे हैं, उस युग में पैसे का बहुत महत्व है। जिसके पास पैसा है वो कलयुग में सब कुछ प्राप्त कर सकता है, और जिसके पास पैसा नहीं है दोस्तों, वो व्यक्ति, उसका जीवन भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, जो मेहनत नहीं करते हैं उनके लिए तो ठीक, लेकिन जो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और उनको संपन्न नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत ही सिंपल उपाय बताने वाला हूं। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर मेरी चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी कोई भी जानकारी आसानी से आप तक पहुँच सके। दूसरा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर अवश्य करें। किसी और का भला होगा तो उसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है, ये न कोई पूजा है, न पाठ है, न जप है, न तप है, कुछ भी नहीं है। इस क्रिया को महिलाएं भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको हर रोज पूरे परिवार को एक साथ बैठ के भोजन करना चाहिए। एक साथ मतलब एक थाली में नहीं, थाली अपनी अपनी हो सकती है डिश, लेकिन सारे लोग एक साथ बैठें और भोजन करें। दोस्तों आपको लगेगा कि ये तो कोई उपाय है, लेकिन ये इतनी बड़ी सिद्धि है एक साथ बैठ के भोजन करने से आपकी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, जो आपके बीच में नेगेटिविटी के रूप में काम कर रही हैं, एक दूसरे को अलग किए हुए हैं, एक दूसरे से द्वेष रखवा रही हैं, ऐसी नेगेटिविटी वहां से हट जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो सबसे पहले आपको एक साथ बैठ के पूरे परिवार को भोजन करना है। इससे एक व्यक्ति की नहीं पूरे परिवार की उन्नति होगी। दूसरा दोस्तों, अगर किसी का कुछ किया हुआ है, कोई टोना टोटका किया हुआ है, या किसी की कोई बुरी नजर आपके ऊपर लगी हुई है जिससे आप व्यापार में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो वहां भी आपकी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा हो, तो आपको शनिवार के दिन एक नारियल लेके किसी बहती नदी में आपको दोनों हाथ से उसको प्रवाहित कर देना है।
कुछ बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है। शनिवार के दिन बहती हुई नदी में आप एक नारियल दोनों हाथ से वो बहते पानी में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो वहाँ आपकी तरक्की होने लग जाएगी। अगर आपका बिजनेस है, व्यापार है, तो वहाँ आपको कामयाबी हासिल हो जाएगी, वहाँ आपको सफलता मिलेगी। तीसरा, दोस्तों, आपको रोज सुबह जब उठते हैं और नहा धो के स्वच्छ होते हैं, उस समय आप एक तांबे के लोटा में स्वच्छ जल भरें और भगवान सूर्य को अर्पित करें। उस जल में आप दो काली मिर्च के दाने डाल लें और थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और ये काम आपको नियमित करना है। भगवान सूर्य को जल देते समय आपकी नजर सूर्य के ऊपर उस धार के बीच में से होनी चाहिए और आपको ओम सूर्य देवाय नमः सिंपल मंत्र है। जब तक आपके जल की धार चलती रहे, आपको इस मंत्र का जाप करते रहना है। बस, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतना करें, आप जो भी कार्य करेंगे, आप वहां सफलता हासिल करेंगे, वहां आप तरक्की हासिल करेंगे। चाहे आप सर्विस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या कोई भी आपका काम है, किसी भी तरह का, उस काम में आपको सफलता मिलेगी। और पैसे आपको जो आज मिल रहे हैं, उससे कई गुना अधिक मात्रा में आपको पैसे मिलेंगे। घर का हर मेंबर इसी तरह सफलता हासिल करता रहेगा और आपके घर में पैसे हमेशा टिके हुए रहेंगे। कभी आपका घर पैसे से खाली नहीं होगा। ये क्रिया आपको करनी है। कोई पूजा आप नहीं कर सकते, तो कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप ये करें, बस करते रहिए। इसको समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें अवश्य। नमस्कार।